राधे राधे एवरीवन। देखिए दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक के महीने में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस तरीके से करना है, और कार्तिक महीने की जो लड्डू गोपाल जी की जो पूजा होती है बहुत विशेष पूजा होती है, तो किस तरीके से करनी है। क्योंकि देखिए, इस महीने में तुलसी मैया की, कृष्ण भगवान जी की और दीपदान जितना हो जाए उतना ज़्यादा बेस्ट होता है, और इसमें पूजा पाठ बहुत ही अधिक की जाती है। तो अपने जो लड्डू गोपाल जी है वो भी कृष्ण भगवान जी के ही स्वरूप है, तो इसीलिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा किस तरीके से करनी है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे कि हम कार्तिक स्नान करते हैं तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है। देखिए, पहले जैसे हम कार्तिक नारे अपना तुलसा जी की पूजा करेंगे, उसके बाद में ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे, उनको दूध वगैरह पिला के फिर उनको स्नान वगैरह कराएंगे। तो हमें ये नहीं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो अपने बाल गोपाल जी को हम ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठाएं, नहीं, पहले हमें अपना पूजा वगैरह कर लेनी है, उसके बाद में हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराना है। और फिर जैसे हम डेली की अपनी पूजा करते हैं ना, उस तरीके से हमें पूजा करनी है, और उस तरीके से ही हमने उनकी पूजा पाठ और सारी चीज़ें करनी है। देखिए, कार्तिक के महीने में ना बहुत विशेष होता है, जितना आप दीपदान करें, जितना आपने लड्डू गोपाल जी, कृष्ण भगवान जी, विष्णु भगवान जी की पूजा करें, और जितना हो सकता है उतना तुलसा जी की पूजा करना। और ये महीना जो होता है ना वो विशेष अपने हमारे सारे त्योहारों का होता है, दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, सारे तीज त्यौहार मेन इस महीने में आते हैं, और इस महीने में बहुत ही अधिक हर चीज़ पूजा पाठ की जाती है। तो अपने लड्डू गोपाल जी की भी हमें अपनी पूजा पाठ अवश्य करनी है। और इस महीने में आप थोड़ा सा, क्योंकि मौसम में चेंज आ जाता है, तो गुनगुने पानी से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए, और फिर उसके बाद में जैसे हमारी दिनचर्या है उस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। उस हिसाब से ही थोड़ा नॉर्मली सा पानी लेके, और उस हिसाब से ही हमें, और अगर आप चाहो तो देखो, जैसे आप खुद कार्तिक नहा रहे हो, खुद ठंडे पानी से नहा रहे हो तो अपने लड्डू गोपाल जी को, लेकिन मौसम में थोड़ा सा चेंज आया है तो गुनगुने पानी आप अपने बाल गोपाल, क्योंकि बाल स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल जी है, तो उनके लिए अगर हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तुलसी दल हमने आप उनकी हर पूजा में अवश्य लेनी है, क्योंकि मेन तुलसा जी और लड्डू गोपाल जी हमारे कार्तिक के महीने में पूजा पाठ इनकी विशेष होती है और बहुत अधिक पूजा की जाती है। तो उसी हिसाब से हमने तुलसी दल हर पूजा में उनकी में यूज़ में लेना है, क्योंकि बिना तुलसी के पूजा के हमारी पूजा अधूरी रहती है। तो उसी हिसाब से हमने पूजा करनी है, दीप जलाना है, आरती करनी है, धूप दीप दिखा के, तो कार्तिक के महीने में हमें अवश्य ये कार्य दोस्तों करने हैं, और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जितनी हो सकती है उतनी करनी है। बाकी जो भी है मैं आगे आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी।